भ्रष्टाचार के आरोप में वन रक्षक को न्याय ने सुनाई 4 वर्ष की कारावास की सजा। शिकायतकर्ता सुगेंद्र पटेल वन विभाग वन मंडल रीवा के अंतर्गत ग्राम वन समिति बदवार बीट में 2500 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर जंगल की अवैध कटाई और शिकार रोकने हेतु चौकीदार के रूप में कार्य करता था। सुगेंद्र पटेल को समिति के सचिव हरिराज सिंह वन रक्षक ने चौकीदार के रूप में नियुक्त किया था। सुगेंद्र पटेल का वर्ष 2013 का माह मई जुलाई और अगस्त की मजदूरी कुल 7500 रुपये का भुगतान माह सितंबर तक हरिराज द्वारा नहीं किया गया था। जब सुगेंद्र पटेल वेतन के संबंध में हरिराज सिंह से मिला तो हरिराज सिंह ने 3 माह के वेतन निकालने के एवज में 2500 रुपये रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत सुगेंद्र ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त से की। लोकायुक्त द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के बाद 20 सितंबर 2013 को ट्रैप आयोजित किया गया। हरिराज सिंह वन रक्षक से मिलने सुगेंद्र उसके ऑफिस वन चौकी डिपो गुद्ध गए, जहां हरिराज सिंह ने सुगेंद्र से 2000 रुपये रिश्वत की मांग की और रिश्वत रुपये प्राप्त कर उसे अपनी हाफ टी शर्ट के जेब में डाल लिया। तभी ट्रैप टीम ने हरिराज सिंह को रंगे हाथ धर डबोचा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। क्या मामला है इसमें? हरिराज सिंह थे, वन रक्षक थे, ये बदवार वीट सर्किल मोड़ में पदस्थ थे। तो सुगेंद्र पटेल इनके यहाँ एक मजदूर था, चौकीदारी का काम करता था। उसको इन्होंने नियुक्त किया था, वहाँ समितियों के माध्यम से काम होता है, तो ये सचिव थे, इन्होंने नियुक्त किया था सुगेंद्र पटेल को 2500 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर। उसका 3 माह का वेतन 2013 में रुका हुआ था, वो उस वेतन के लिए इनके पास जाता था। तो इन्होंने 3 माह के 2500 रुपये वेतन के लिए कुल 2500 रुपये की डिमांड की कि 2500 रुपये दो तो हम तुम्हारा वेतन आगे बढ़ा। इसने जाके सुगेंद्र पटेल ने शिकायत कर दी लोकायुक्त में। शिकायत का सत्यापन किया गया, ट्रैप आयोजित किया गया। अपने दिनांक 20/9/2013 को सुगेंद्र पटेल इनके डिपो गया, बदवार चौकी में जो लकड़ियों का डिपो था वहाँ ये मिले हरिराज सिंह, और 2000 रुपये रिश्वत सुगेंद्र पटेल से ली। जैसे ही ली वैसे ही टीम ने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया। इनका ट्रायल चला माननीय विशेष न्यायालय गिरीश दीक्षित के यहाँ से। आज इनको पास पीसी एक्ट की धारा 13 के अंतर्गत 4 वर्ष का कारावास और धारा 7 के अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास से दंडित कर दिया। ये 2013 का मामला। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिकायत करता है उसने वेतन भुगतान ना करने की शिकायत पहले डिपार्टमेंट को की थी, डिपार्टमेंट को की थी, और डिपार्टमेंट से शिकायत करने के बावजूद ये इससे पैसे मांग रहा था, तब ये लोकायुक्त गया था।